हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए यहां पर बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, आप लोग वेट कर रहे थे आपके आईबीपीएस मेंस एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए यहां पर खुशखबरी है, गुड न्यूज है कि आज आपका जो मेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो आउट कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आपका अप्रैल में ही रिजल्ट आ जाना था बट नहीं आया था कोरोना की वजह से, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका रिजल्ट आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे आपको चेक करना है रिजल्ट और कितना रहा आप लोगों का कट ऑफ। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में और हमको सर्च करना है क्या आईबीपीएस मेंस आपकी साइट देखना है आईबीपीएस की। तो जैसे दोस्तों आप यहां पर आएंगे आईबीपीएस की साइट पर, तो आपको यहां पर फ्लैश हो रही न्यूज आप देखिए। फर्स्ट में ही दोस्तों आपको यहां पर लिखा आ रहा है कि आपको क्लिक हियर टू व्यू योर कमेंडेड रिजल्ट फॉर मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष कुछ ऐसी विंडो शो होगी। आपके समक्ष यहाँ पर तीन ऑप्शन देख रहे हैं, क्लिक हियर टू व्यू योर कमेंडेड रिजल्ट फॉर मेंस एग्जाम इंटरव्यू प्लस सीआरपीएफ, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको दिख रहा है इम्पोर्टेंट डेट्स। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कमिशमेंट ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पे 20/5/2020 को आज रिजल्ट आउट हो गया है। और यहाँ पे क्लोजर्स ऑफ रिजल्ट यहाँ पे 36 यहाँ पे 2020 है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर साइड में विंडो आ रही होगी जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे दोस्तों आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर यहां पर आपको फिल करना है। देन इसके बाद आपको यहां पर फिल करने के बाद आगे बढ़ना है। आपके यहां पर अपनी पासवर्ड जो कुछ है, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसको आपको फिलअप करना है। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे कैप्चर दिख रहा होगा, कैप्चर में जो लिखा है आपको वो यहाँ पर डाल देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लॉग इन करना है ना। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपके समक्ष आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। आप फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कितना रहा आप लोगों का कट ऑफ कैटेगरी वाइज। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आईबीपीएस मेंस एग्जाम कट ऑफ आपका मेंस प्लस इंटरव्यू क्या। तो दोस्तों आपको यहां पर बता दें आप लोगों का जो ईआर कैटेगरी या जनरल का कट ऑफ गया है कितना। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके ईआर या जनरल का कट ऑफ गया है आपका 64.80। जी हाँ दोस्तों, आपका गया है 64.80 आपके किसका यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है रहा है। अब बात करते हैं यूआर के बाद सर आपके ओबीसी का कितना गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें ओबीसी का आपका भी कट ऑफ गया है कितना, 64 आपके ओबीसी का गया है। जे तो हो गया आपके यूआर का। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। तो दोस्तों आपके ओबीसी का गया है यहाँ पर 64, या यूं कहें कि 64 मार्क्स आपके यहाँ पर कट ऑफ गया है आपके किसका, ओबीसी का। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके यूआर और ओबीसी का कट ऑफ। यूआर का है 64.80 और ओबीसी का है 64। अब हम देखते हैं चलिए एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का। हाँ तो फ्रेंड्स बात करते हैं आपके एससी कैटेगरी का। तो दोस्तों एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया है आपका कितना फ्रेंड्स, आपके एससी का गया है यहाँ पर 56.33 एससी कैटेगरी का। यहाँ पर भी कट ऑफ नॉर्मल ही देखने को मिला 56.33 56.33 आपके गया है एससी कैटेगरी का कट ऑफ। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देख लिया यूआर का, ओबीसी का, एससी का। अब हम बात करते हैं कि एससी का एसटी का कट ऑफ कितना गया है। तो फ्रेंड्स आपके एससी का कट ऑफ है आपका 56.33, एसटी का गया है आपका 53.47, या यूं कहें 53.47 आपके एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया है। आपके थ्री का डिस्टेंस आ गया आपके यहाँ पर डिफरेंस आपके एससी और एसटी में, है ना। इसका गया है 53.47 आपके एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। एससी का होगा 56.33 और एसटी का गया है आपका 53.47। यहाँ पर थ्री मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल गया है। चलिए हमने देख लिया यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। अब हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस का, एचआई का और ओसी का। हाँ तो फ्रेंड्स हम आ गए अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस का, एचआई का और ओसी का कट ऑफ कितना गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपके ईडब्ल्यूएस
और आपका एच आई इन और आपके ओसी का कट ऑफ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपके ईडब्ल्यूएस का गया है कितना, आपके ईडब्ल्यूएस का गया है 62.67। जी हाँ दोस्तों 62.67 आपके ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है। जी दोस्तों 62.67। ओके तो मान सकते हैं कि आपके यहाँ पर जनरल और आपके ईडब्ल्यूएस में जरा सा ही डिफरेंस देखने को मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं करीबन 2 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिला है। जे हो गया आपके किसका, ईडब्ल्यूएस का। अब बात करते हैं कि सर एच आई का कट ऑफ कितना गया है, तो दोस्तों आपको बता दें एच आई का कट ऑफ गया है आपका कितना 56.33। एस सी और एस टी से ज्यादा ही आपको देखने को मिला है, हालांकि आपके सही बोल रहा हूँ एस सी और एस टी से आपको बिल्कुल एस सी का आपका और आपके एच आई का बिल्कुल एक जैसा कट ऑफ गया है 56.33, एक जैसा आपके एस सी का और आपके एच आई का 56.33, 56.33 कट ऑफ रहा है। अब बात करते हैं लास्ट ओसी का कट ऑफ कितना गया है, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में, और बात करते हैं लास्ट किसका, आपके ओसी का कट ऑफ कितना गया है। तो दोस्तों आपके ओसी कैटेगरी का कट ऑफ गया है यहाँ पर 55.33। जी हाँ दोस्तों 55.33 आपके ओसी कैटेगरी का कट ऑफ रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वन बाई वन करके हर एक कैटेगरी का आपका कट ऑफ देख लिया, चाहे फिर वो आपका यूआर हो, चाहे फिर वो आपका ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस, एचआई, ओसी। जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल का रहा है आपका 64.80, ओबीसी का रहा है आपका 64, एससी का रहा है 56.33, एसटी का रहा है 53.47, ईडब्ल्यूएस का रहा है 62.67 और एचआई का रहा है 56.33, ओसी का रहा है 55.33। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोई कैटेगरी नहीं बची, मैंने हर एक का डिस्कस किया है, फिर भी आपके मन में अभी कोई डाउट्स आ रहा हो, कमेंट्स हो, तो आप बेझिझक होके पूछे, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और हाँ जी फ्रेंड्स आपका क्या हुआ, आपका रिजल्ट का सभी के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आप लोग को सफलता मिली हो, और जिनको नहीं मिली तो उनको भी उदास होने की आवश्यकता नहीं, अभी आपके पास ढेर सारे चांसेस हैं, है ना फ्रेंड्स। और डियर फ्रेंड्स आप एक चीज और बताना जरूरी समझते हैं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन सी आपकी कैटेगरी है और आपका कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो गया, ताकि और अच्छा अनुमान लगे स्टेट वाइज, हमको पता चले कि कितना कट ऑफ गया है, आपका बताइएगा जरूर, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, तो सब लोगों को पता चलना चाहिए कि आपका कितने मार्क्स में हुआ है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें तो अच्छा होगा। और दोस्तों सभी के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।